Example 2. If angle B and angle Q are acute angles such that sine B is equal to sine Q, then prove that angle B is equal to angle Q. सबसे पहले तो हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं वो कंसिडर करी. एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी है यहाँ पर और यहाँ बी है. एक कोई दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है, इनको हमने नाम दे दिया पी, यहाँ पर हो गया क्यू और ये आर. ये एंगल बी हो गया, यहाँ पर एंगल हो गया क्यू. हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू. सबसे पहले तो साइन बी की वैल्यू निकालिए. इस ट्रायंगल में अगर देखें साइन बी का मतलब है साइड ओपोजिट टू द एंगल बी दैट इज ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी. इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन क्यू की वैल्यू अगर देखें वो क्या आएगी, साइड ओपोजिट टू द एंगल दैट इज पी आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज पी क्यू. हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू. वी हैव साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू. ये आपका इम्प्लाई करेगा क्या, ये दोनों इक्वल हैं. इसका मतलब ये दोनों जो रेशियोज हैं वो भी क्या रहेंगे आपकी इक्वल. दैट इज ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू. विच इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हैं ए सी पी आर को नीचे ले आइए, विच इज इक्वल टू ए बी को ऊपर लेके जाएं और यहाँ पर पी क्यू. ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. ये जो रेशियो है इसको कोई नंबर के मान लिया हमने, यहाँ पर फिक्स नंबर है आपका के. ठीक है, अब देखिए हमें शो करना है एंगल बी और एंगल क्यू दोनों क्या हो जाएं इक्वल. इसका मीनिंग ये है कि अगर हम ये शो कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स की हमें शो करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल. दैट इज वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू. हमें शो करना पड़ेगा कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए सी बी अपॉन आर क्यू के. ये दोनों तो इक्वल हैं पहले से, इसको के मान रखा है. अगर हम ये शो कर दें इस रेशियो की वैल्यू भी के आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, अब सबसे पहले बी सी फाइंड आउट करते हैं. बी सी यहाँ पर है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें सो हमें मिलेगा बी सी स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर. क्योंकि ए बी स्क्वेयर इक्वल रहेगा ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के, वहाँ से बी सी स्क्वेयर की वैल्यू ये आ जाएगी. विच इम्प्लाइज बी सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, अब देखिए ए बी माइनस है यहाँ पर ए सी, ए बी माइनस ए सी स्क्वेयर. अगर हम यहाँ से देखें ए बी की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या आएगी के इंटू पी क्यू. ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ. सो दिस विल बी ए बी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो के इंटू में पी क्यू और उसका स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर. क्लियर है चीज़ें? Which implies BC will be equal to square root of, यहाँ रहेगा K square into PQ square minus, यहीं से अगर AC की value find out करें वो आएगी K into PR और उसका whole square, K into PR और इसका whole square, that will be equal to square root of K square into PQ square minus K square into पी आर स्क्वेयर. विच इम्प्लाइज बी सी विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, इन दोनों में के स्क्वेयर कॉमन है, अंदर रह गया पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू के स्क्वेयर. जब स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो सिंपली ये बन जाएगा के इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ
पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ठीक है, ये तो है बी सी की वैल्यू। अब देखिए आर क्यू की वैल्यू, या हम कहें क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो क्यू आर का जो स्क्वेयर है वो रहेगा पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर बाई पाइथागोरस थ्योरम, विच इम्प्लाइज दिस क्यू आर विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट करना है सी बी अपॉन आर क्यू। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने, अच्छा फर्स्ट हो चुका है, इसको सेकेंड लेट करें, इसको थर्ड लेट करें, सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू, बी सी की वैल्यू है के इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्यू आर की वैल्यू है स्क्वेयर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। ये दोनों सेम क्वांटिटीज है, कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू के। इसको इक्वेशन फोर नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर क्या मिलेगा हमें, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू विच इज इक्वल टू के, एंड के इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब दो ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, विच इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, सॉरी कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कंसीडर द ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ऑफ थीटा। देन डिटरमाइन कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ए बी की वैल्यू 29 गिवन है, बी सी की वैल्यू 21 गिवन है। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमें। देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसकी तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पहले तो एसी फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी स्क्वेयर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज हमें ए सी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। सो ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज दिस ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, देखिए ए बी की जो वैल्यू है वो है 29, और 29 का जब स्क्वेयर करेंगे सो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 841 माइनस बी सी स्क्वेयर, बी सी की वैल्यू है 21, उसका स्क्वेयर करोगे तो वैल्यू आएगी 441, विच इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू 20। सो ए सी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 20। अब हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू द एंगल, थीटा के एडजेसेंट साइड कितनी है 21 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन थीटा क्या होता है साइड ओपोजिट दैट इज 20 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। पहला जो पार्ट है उसमें आपसे पूछ रहा है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। कोस थीटा की वैल्यू है 21 अपॉन 29 और उसका स्क्वेयर हो गया, प्लस यहाँ पर 20 अपॉन 29 और इसका स्क्वेयर,
21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइडेड बाय 29 का जो स्क्वायर रहेगा दैट विल बी 841 प्लस 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 841। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 841 ऊपर 441 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 841 डिवाइडेड बाय 841 कैंसिल होके 1। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से आप देख लीजिए, यह आ रहा है 21 बाई 29 का स्क्वायर दैट इज 441 डिवाइडेड बाई 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो है 400 डिवाइडेड बाई 841। दोनों का एलसीएम लें वो आएगा 841 ऊपर है 441 माइनस 400 विच इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 841। एग्जाम्पल 4, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। ये ट्रायंगल हो गई ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का है। इफ़ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, इस ट्रायंगल में टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 1। बट अगर हम देखें तो टेंजेंट ए की वैल्यू इस ट्रायंगल में होगी क्या? अगर ये आपका एंगल ए है सो टेंजेंट ए जो होता है वो होता है इसके ऑपोजिट वाली साइड दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई इसके एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी, पर हमें गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है 1, विच इम्प्लाइज दिस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके 1 के साथ ए बी रह जाएगा। सो हम कह पा रहे हैं कि ए बी और बी सी की वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। हमने लेट किया लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू के, हमने मान लिया कि ए बी बी सी दोनों इक्वल हैं और वो किसके इक्वल हैं यहाँ पर के। सो ये के हो गया, ये भी आपका के हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं, हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है के उसका स्क्वेयर, बी सी की वैल्यू है के उसका स्क्वेयर हो गया, विच इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू इन टू के स्क्वेयर विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू इन टू के। देखिए हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू और वो बताना है कि 1 आएगी। उसके लिए हमें साइन ए की ज़रूरत है, साइन ए, अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू के। साइन ए का मीनिंग है साइड ओपोजिट दैट इज़ बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बी सी की वैल्यू है के डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू है हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू के, के से के कैंसिल होके इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2। अब फाइंड आउट करते हैं हम कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, के से के कैंसिल होके ये भी कितना आ गया 1 बाई रूट 2। नाउ हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए की वैल्यू है 1 बाई रूट 2, कोस ए की वैल्यू 1 बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, ये कैंसिल होके 1, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, एग्जाम्पल 5, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, हमें गिवन है ओ पी जो है 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू उसकी वैल्यू है 1, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, सॉरी साइन क्यू एंड कोस क्यू, ये क्यू है एंगल क्यू। देखिए इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम कह सकते हैं ओ क्यू विल बी इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर ये पुट कर दें तो हमें मिलेगा 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज ए प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी ए स्क्वेयर दैट इज 1 का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन्स पी क्यू स्क्वेयर, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वेयर। यहाँ पर प्लस पी क्यू स्क्वेयर, यहाँ पर भी प्लस पी क्यू स्क्वेयर, दोनों साइड्स में है, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, विच इम्प्लाइज 1 प्लस 2 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 49, विच इम्प्लाइज 2 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 49, ये राइट साइड में जाके माइनस 1 दैट इज 48 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज पी क्यू विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो रिजल्ट गिवन था, वी हैव ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 24, ओ क्यू माइनस 24 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज ओ क्यू विल बी इक्वल टू 1 प्लस 24, विच इम्प्लाइज ओ क्यू विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया था साइन क्यू बताइए, साइन क्यू एंगल क्यू ये है, साइन क्यू का मीनिंग होता है साइड ओपोजिट टू द एंगल दैट इज ओ पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 25। कोस क्यू साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ये जो साइड है वो क्यू के साथ में है दैट इज क्यू पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ क्यू विच इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई ओ क्यू की वैल्यू है 25। यही हमें फाइंड आउट करने थे।